पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बोरा गए हो तुम मनोज, अपने ही बेटे को मना कर दिया बहू को मंगलसूत्र पहनाने से। माफ कीजिए माँ, पर मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। क्या मतलब? मानस ने मौली का भरोसा तोड़ा है, जब तक वो उसका दिल नहीं जीत लेता मानस ये मंगलसूत्र मौली को नहीं पहनाएगा। वरना ये मौली के साथ जबरदस्ती होगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। मनोज, ये घर छोड़ करके तुम जिस दुनिया में चले गए थे ना, वहां तुमने अपने सोच और विचार बदल दिए होंगे, पर हमारी समझ आज भी यही कहती है कि पति पत्नी एक घर में रहते हैं तो दिल भी मिल जाते हैं। सालों से, सदियों से यही होता आया है। अनजान लोग जुड़ते हैं और रिश्ता निभा ले जाते हैं जन्मों जन्म तक। मनु, जानकी मां सही तो कह रही हैं। जब मेरी और स्वरा की शादी हुई थी, हम दोनों में पहले से प्यार थोड़ी ना था, और अब देखो, एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्ता, आप जैसे लोग निभाते हैं, पर जो इंसान शादी की रात को अपनी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाए, सारे रिश्ते तोड़ दे, वो कैसे निभाएगा? रिश्तों को खत्म होने से ही तो बचाना है। मंगलसूत्र परंपराओं की वो रस्सी है जो रिश्तों को बांध के रखती है। परंपराओं की रस्सी अगर गले का फंदा बन जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए मां, वरना दम घुट जाता है। तू कहना क्या चाहता है मनोज? मां, जब मैंने अजंता से शादी करने का फैसला लिया था तो सबसे पहले आपको बताना चाहता था, पर बता नहीं पाया क्योंकि हमारे परिवार में लव मैरिज की प्रथा नहीं थी। मैं बहुत डर गया था माँ, बहुत घबरा गया था, इसी वजह से आप सबका दिल दुखाने की बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं। आज भी कोशिश ही कर रहा हूँ माँ, आप सबको मनाने की, उलझे रिश्तों को सुलझाने की। एक बार रिश्ते उलझ जाते हैं माँ तो उम्र लग जाती है उन्हें सुलझाने में। मौली को जबरदस्ती किसी ऐसे रिश्ते में नहीं उलझाना चाहता जिससे उसकी जिंदगी उलझ जाए। तो तू ये चाहता है कि मानस और मौली एक साथ ना रहे? नहीं माँ, अगर मानस और मौली एक साथ हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी, पर मानस को पहले मौली का दिल और भरोसा दोनों जीतना होगा। मैं चाहता हूं मां कि मौली अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हां कहे। ना कि किसी मजबूरी में। मां, मौली मेरी बहू बाद में है पर बेटी पहले, इसकी खुशी, इसकी रजामंदी मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। पापा सही कह रहे, मैं भी अगर मौली की जगह होता और सडनली ऐसे माफ कर दिया होता तो उसके बाद मैं मौली को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने मौली का दिल तोड़ा, पर सिर्फ सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। बट आई प्रॉमिस यू मौली, मैं जान लगा दूंगा, मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा, और जब तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाए ना तभी मुझे एक्सेप्ट करना।
एंड डोंट वरी, तब तक तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा. बस इतना करना कि मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह देना, एक मौका देना, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊं. समझदार वो होता है जो सिर्फ माफी ना मांगे बल्कि अपनी गलतियों को सही करने का प्रण भी ले, जैसे मानस ने लिया. हाँ, मानस की बातों में अफसोस है, सच्चाई है. मौली को एक मौका जरूर देना चाहिए मानस को. मौली, मुझे सब कुछ ठीक करने का एक चांस तो दोगी ना, प्लीज. मौली, तुम्हें मजा आता है ना कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नाचती रहे, आलती पालती मार के धम से हमारे बीच आकर बैठ गई हो और हम सबको साइड में धकेल दिया है. जब से यहाँ आई हो ना, तब से यही चालू है. मौली ने ये किया, मौली के साथ ये हो गया, मौली ने ये कहा, मौली वो, मौली ये. अरे, वो माफी मांग रहा है ना, तो उसे माफी देकर झंझट खत्म करो, अपना घर बसाओ और खुद भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो. ये फैसला करने का हक तो मौली का होना चाहिए, उसे तय करने दीजिए. नहीं दे सकते, शादी ब्याह का फैसला घर के बड़े ही करते हैं. पर जानकी माँ, शादी करनी और निभानी तो बच्चों को है. उनकी हाना भी तो जरूरी है ना. अगर सही और गलत की समझ होती तो ये नौबत ना आती. मौली, तूने सबकी बातें सुन ली है, पर फाइनल डिसीजन तेरा है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना. जैसे मुझे एक मौका मिल रहा है इस घर में सबसे माफी मांगने का, एक मौका तू भी मानस को देकर देख. होगा वही जो तू चाहेगी, बस सोच समझ कर फैसला लेना अपना, प्लीज. वेलकम होम मौली. आज से मैं यहाँ रहूंगी. यस, आज से ये आपका होम स्वीट होम है. पर घर तो वो होता है जहाँ मम्मी पापा हो, वो तो नहीं है. दोनों मुझे छोड़कर चले गए ना अंकल. अंकल नहीं, पापा. आपके मम्मी पापा ने मुझे आपका पापा बनाकर भेजा है, तो आज से आपके मनोज पापा अपनी मौली बेटी को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे. प्रॉमिस? प्रॉमिस. पापा, मैं मानस को एक मौका देने के लिए तैयार हूं. ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि मौली की और मानस की शादी तभी होगी जब मौली को मानस पर भरोसा हो जाएगा और मानस मौली का दिल जीत लेगा. ठीक ठीक है. अगले महीने लगन का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, इतना समय काफी है. हम चाहते हैं कि उसी वक्त मानस और मौली की शादी करवा दी जाए. घर वालों की उपस्थिति में सबको आशीर्वाद भी मिल जाएगा. मानस,
बस इतना वक्त है तुम्हारे पास मौली का दिल। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।